मैं हूँ रूपी का, स्वागत करती हूँ आप सभी का YouTube चैनल रूपी का मेकअप में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है, जी हाँ, रिव्यू को लेकर। आपको टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे मैं दो प्रोडक्ट ली हूँ, बीबी क्रीम और सीसी क्रीम। इसमें देखूंगी कौन सी बेस्ट है, कौन सी स्किन पे कौन सी क्रीम लगानी चाहिए तो ज्यादा अच्छी है, कौन सी कैसी है, जो भी रिव्यू है आप लोगों के सामने करूंगी। यहाँ पे मैं आधे फेस पे बीबी क्रीम लगाऊंगी, आधे फेस पे सीसी क्रीम लगाऊंगी। तो आज आप लोगों के साथ इसी का रिव्यू करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं डेली यूज में तो ये क्रीम अक्सर सभी लोग लेते हैं, बट किसी को पता नहीं होता है कि कौन सी, बहुत कम ही लोग होंगे जिनको पता होगा कि कौन सी क्रीम बेस्ट होती है उनकी स्किन के लिए। तो आज हम वही ट्राई करेंगे। वैसी मेरी स्किन जो है ऑयली है, तो आज मैं दोनों क्रीम लगाऊंगी और मैं बताऊंगी किस कौन सी स्किन पे, ड्राई स्किन पे कौन सी क्रीम सही है, या फिर ऑयली स्किन में कौन सी सही है, ये या फिर क्रीम कौन सी बेस्ट है, सारी चीजें, कौन किसका पिगमेंट अच्छा है, कौन अच्छे से ब्लेंड होती है अच्छे से, सारी चीजें आज इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो में बने रहना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको थैंक यू सो मच कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं इसका रिव्यू देती हूँ। सबसे पहले मैं अपना फेस क्लीन कर ले रही हूँ, अपना मेकअप रिमूव कर ले रही हूँ, मतलब आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने अपना फेस बिल्कुल क्लीन कर लिया है और आई मेकअप नहीं निकाला है। आप यहाँ पे दोनों में मेंशन है कि SPF 30 है, मतलब ये सन प्रोटेक्ट भी है। अगर आप इसे लगाते हैं तो सनस्क्रीन की भी जरूरत नहीं है दोनों में। और वैसे इसमें लैक्मे की जो सीसी क्रीम है, इसमें बहुत सारे शेड आपको अवेलेबल है। इसमें आई थिंक सिर्फ 4 शेड आपको मिलते हैं, लेकिन जो लैक्मे की सीसी क्रीम है इसमें काफी ज्यादा शेड मिलते हैं। बीबी क्रीम और इधर होगा हमारा सीसी क्रीम यहां से साइड में। प्रोडक्ट मैं सेम लूंगी उतना ही उतना, तो इसीलिए मैं साथ के साथ निकाल ले रही हूं, क्योंकि पता चलेगा ना कि कौन सा प्रोडक्ट मैं कितना लगा रही हूं। तो सेम प्रोडक्ट मैंने ले लिया है उतना ही, ये अप्लाई कर रही हूं मैं बीबी क्रीम। और दोनों की ब्लेंडिंग मैं हाथों से ही करूंगी। तो अभी मैंने इसे बीबी क्रीम को अप्लाई, अब अपना हाथ क्लीन कर ले रही हूं, उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी बीबी क्रीम। दोनों का पिगमेंट सेम है, ऐसा कुछ फर्क नहीं मुझे पिगमेंट में दिखाई दिया कि अब ब्लेंडिंग देखते हैं किसकी ज्यादा अच्छी होती है, किसकी स्मूथ होती है। बात करें फ्रेग्रेंस की, तो फिर इसमें बिल्कुल लाइटली है और इसमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है सीसी क्रीम में। तो अभी मैं बिल्कुल क्लोज आके दिखा रही हूं दोनों की ब्लेंडिंग, मतलब दोनों काफी अच्छे से हाथ से ब्लेंड हो गई। बात करें कवरेज की, तो ये थोड़ा ज्यादा कवरेज मुझे लग रहा है दे रहा है, बट ये जो इस क्रीम है थोड़ी सी ड्राई ड्राई सी है कहीं कहीं। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए सीसी क्रीम ज्यादा बेस्ट होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर कवरेज की बात करें तो मुझे बीबी क्रीम ज्यादा बेस्ट लग रही कवरेज में, कि काफी अच्छे से इसने
कवरेज दी है। और ब्लेंडिंग की बात करें तो ब्लेंडिंग में दोनों क्रीम सेम है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रही है, डेली यूज के लिए है, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है। बट जो सीसी क्रीम है वो थोड़ी सी ग्लोई है, कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रही है। अगर आप थोड़ी ग्लोई स्किन चाहते हैं तो आप सीसी क्रीम का यूज कर सकते हैं, बट अगर थोड़ी मैट फिनिश चाहते हैं तो आप जो है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम पे जा सकते हैं। तो दोनों डेली यूज के लिए काफी सही है, और इसमें दोनों में सन प्रोटेक्ट है, SPF 30 है, तो आपको सनस्क्रीन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट दोनों की कवरेज मुझे लगभग बस थोड़ा सा फर्क लग रहा है। मुझे पॉन्ड्स की बीबी क्रीम की कवरेज थोड़ी ज्यादा है और सीसी क्रीम की मुझे थोड़ी कम लग रही है। बट अगर बात करें ग्लोई स्किन की, तो जो सीसी क्रीम है वो ग्लो ज्यादा कर रही है और ये थोड़ी मैट फिनिश दे रही है बीबी क्रीम। और उसके बाद अगर बात करें कि तो जो बीबी क्रीम है उसको बिल्कुल लाइट ना के बराबर फ्रेग्रेंस है, और जो सीसी क्रीम है उस थोड़ी स्ट्रांग फ्रेग्रेंस है, और बेस्ट दोनों मेरी स्किन पे तो दोनों जा रही हैं, तो बेस्ट दोनों है अपनी अपनी जगह, तो आप अपने टोन के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने बता दिया, अगर आप चाहते हैं अपनी ग्लोई स्किन है तो सीसी क्रीम का यूज करें, पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, मतलब दोनों में सेड तो आपको मिल ही जाएंगे आपके स्किन के अकॉर्डिंग, तो आप दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं। अगर मैट फिनिश चाहते हैं तो पॉन्ड्स की बीबी क्रीम ले, और अगर ग्लोई स्किन चाहते हैं तो आप सीसी क्रीम पे जा सकते हैं। तो आज का रिव्यू यही रहा, तो चलती मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक बाय।